नीरज और नगड़िया इसे आया पार से यही के बजा के डुंडी काउ डुंडी पिटती और खबर करवाई जाती के ऐसे 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 ऐसे। तो पहली खबर जाए कि कोरोना से एक आदमी टेब हो लगा और छतरपुर में पहली मौत हो गई और पहली मौत आखिरी मौत कहा जाए इसके लाने। अब घर में रहो, मास्क लगाओ, सैनिटाइजर का उपयोग करो और जो हम पहने हैं ना जो मिल जाए अप्रैल अप्रैल में कब आओ अप्रैल अप्रैल तो जो ढूंढा के बांध लो कहूँ जा सुरक्षित रहो ग्लव्स पहनो सब पहनो नहीं तो भैया बड़ी दशा हो रही जो मान के चलिए। अब खबर ही मेरा कि जाएंगे भैया उधर कोरोना को संकट है आदमी की चलो मची है लेकिन प्रशासन अवैध कार्रवाई करवे न करिया और काय के लाने अवैध कब्जा हटावे के लाने। स्वच्छतापुर के टोलिया मोहल्ला संकट मोचन पहाड़ी जगह जगह जाके अब प्रशासन नाप तोल कर रहा फीता लेके तोड़ रहा तहसीलदार के हैं वे उनके संगे पूरी अगुवाई है अमला पुलिस लेके जा रहे कल कल जगह गए नोटिस चस्पा कर तलाशी कीने कब्जा करो पहाड़ी पे कीने पास सट्टा की के पास नहीं है और उन्हें नोटिस दिए जा रहे। अच्छी बात है लेकिन हम जो बताया गया कछु दिन पहले हमने सागर रोड पे एडी5 स्कूल के सामने जय झुंडी पी के बताओ तो के ससरे हरो सरेआम ते कब्जा हो रो लेकिन जे नहीं गए होते आज लोग को नहीं गाओ होते कब्जा हो चलो यार जे कबे जे हमें बताओ तो छबे जे जब आदमी मकान बना के रहने लगे कागज बनवा ले फर्जी पट्टे बन जे कैसे कोर्ट में हार जो पैसे लेन देन करके निपटा दे। चंदपुरा हार में भी ऐसी भाव तो चंदपुरा में भी ऐसी कब्जा जब हो रहा तो नहीं गए बाद में जाके आदमी के मकान तोड़ा देने और प्रशासन को विरोध ऐसी दुर्गानगर कॉलोनी हो तो इन्हें मिटा दो फिर तो बन गो सब चीजें हो जाती था। प्रशासन की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हमेशा सवाल में रहा तो ही से रहा कहा से अंडा बांटे रेवड़ी और चीन चीन के दे प्रशासन जो भेदभाव करते है बहुत गंभीर करते है हमारे मुद्दा पे प्रशासन रसूख धारण के नहीं देख पा रहा। 24 नर्सिंग होम की हम बार बार बात कर पहले भी हमने चलाई थी और आकाशवाणी तराई पे कब्जा करो सीधो सीधो और सरकारी आंकड़ा में है भैया जी अखबार में बड़ी बड़ी खबरें छपी थी उनके खिलाफ और उनमें बिल्कुल हतो के नर्सिंग होम जो है 0.032 हेक्टेयर केवल जमीन इनके पास अभी बाकी पूरी पहाड़ी खोद के कब्जा कर डालो चलो ठीक है पीछे पीछे घुस गए तो ये ट्रस्ट से जमीन ले थी इतने भीतर घुस गए इतने भीतर घुस गए इतने भीतर घुस गए कि थाए भी मिल रही इनकी और हर साल जैसे चावड़ से भगवान बड़ा था ना जो 2 फुट बढ़ जाए भीतर घुस जाके चलो ठीक है 24 सम्मानी आदमी के खिलाफ बोले को नहीं बोला और जैसे ही थोड़ी माहौल बने के इनको कब्जा है तो जो बिल्कुल एक समाज सेवक को कार्यक्रम करके वो अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर ली। अब जैसे इनके खिलाफ जब अखबारों में खबरें चली खूब सो इनने कहा करो तुरंत अपने जो कब्जा है आगे मेडिकल स्टोर के पास खुश तो नहीं तराए पे सो तक टी सेट लगा के गैराज बना दे गाड़ी को और जैसे ही अभियान शुरू हो इनके खिलाफ से इनने कहा करो तब सेवा समिति कौन एनजीओ बनाओ एनजीओ बना के तो मशीनें दौड़ी है रखवा दी के तैसे बड़ो 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 दोनों काम होने और बेचारे निगम साहब है बूढ़े टेढ़े बेचारे पूर्व विधायक उन्हें बुलाया उनसे फीता कटवा लो उनकी और दशा करवा बाल दूंगी और उनमें कछु समाज से भी बदमाश भी लगे जो ठेकेदारी कर रहे थे इनकी लेकिन चलो हमने कही ठीक है अच्छा काम हो तो भाई हम कहा पीछे पड़े लेकिन 2 महीना बाद होता है फिर कह रहे जाकी तब बन गो टी सेट वो तो फिर कब जाए और बीच में तो खबर जा भी उड़ी थी कि डॉक्टर चौबे है इनने एसडीएम सबका ले भाई उन्हें पैसा देके 5 लाख रुपए देके रिकॉर्ड में फर्जी तरीके से चढ़वा लेकिन जो भूल गए टोरिय ट्रस्ट के पास जो लिखा पड़ी है चीजें हैं उनमें जो है कि कितनी उन्हें जमीन नहीं थी जितनी टोरिय ट्रस्ट ने जमीन दी उनके बाप की जमीन कहां से आई उनकी लिखा पड़ी उनको कागज लिखा राजस्व रिकॉर्ड में बिल्कुल लिखो था ना भैया जो है खसरा खतौनी की नकल अपने पास बिल्कुल स्वीकार कर रहे हैं कि कहा है क्या वोटी वोटी तक जो हमें अतिक्रमण करो पहाड़ी की सुरक्षा कर रहे हैं भैया तो हमें ही चाहिए मकान बनवा ले तो हम भी पहाड़ी सुरक्षित कर रहे 2-4 से जाने और बेचारे कर रहे पहाड़ी सुरक्षित कर ले तो भाई अकेले क्या पहाड़ी सुरक्षित कर रहे जो मामला गंभीर है कोर्ट में भी चलो है कोर्ट में भी जो मामला चल रहा और जो कब्जा ऐसा नहीं है बाहर प्रगतिशील विकलांग संसार जहां बनो है विकलांगन को स्कूल है
पे जो जमीन है बाबू उतर पे एक टोरिया ट्रस्ट वाले ने गांधी स्मारक समिति थी गांधीवादियों की उन्हें बात दी थी जमीन के तो प्रगतिशील विकास संस्था अच्छो काम करने के लिए दी थी। अब भाव का भैया क्या भाई धीरे धीरे जितने सदस्य थे उस समिति के एक एक करके टेबल है सब जाए चले गए तो समिति को पता ही चलो कहां गई। और वो जगह पे कब्जा विकलांग संसार जो बनो प्रगतिशील विकलांग स्कूल बनो वो स्कूल की जगह के नाम पे एक मेडिकल बन गो चौबे जी को बगल में चौबे जी किराए पे दे बाहर दुकान पे कब्जा है पूरी भग खैरा तो पूरी जमीन बेच कीमती चली गई। उसके बाद नई पेट भरो मन नहीं भरो जो और मैदान में जगह डरी थी उधर टीन सेट लग गो एनजीओ कोई बोर्ड लगा के होते प्रभारी मंत्री से उद्घाटन पूजन करा डाल बृजेंद्र सिंह राठौर से उस समय भी हमने हवाई ड्राइव लेके कछु नहीं हो रहा। और आज फिर हम चिल्ला दी रहे जब वर्मा टोरिया खोद के चौबे नर्सिंग होम को विस्तार होगा सरकारी जमीन में चौबे नर्सिंग होम बनेगा सुर्खी हमारे लेकर प्रशासन की इच्छा शक्ति है ना होते ना जी हाँ जी जय जय टोरिया मोहल्ला शंकर गुजर पहाड़ी पर जय दुर्गा नगर कॉलोनी और मशीन चला के फन पटक के चले हैं आज इनको मकान करा दो लोहरिया लगा दे और बस बैठ जाएंगे ये दृश्य देखो चौबे नर्सिंग होम पे जो कब्जा हुआ अपने आप में पता चला जाएगा मचुका है शहर में आ जाओ। छतरपुर के आकाशवाणी तराये पे जो चौबे नर्सिंग होम के संचालक अपने रसूख के दम पे ना केवल नर्सिंग होम पे कब्जा करे मतलब वो तो पहाड़ी पे कब्जा करके ना सिर्फ नर्सिंग होम बना बल्कि हनुमान टोलिया खोद के आधी कहा था कि यार मचुका है छतरपुर में जो स्वास्थ्य से ले गए भीतर तक अगल बगल की पूरी पहाड़ी काट कूट के ऐसे लंबे घुस गए कि समझ में आते कि सीधे सीधे अतिक्रमण पाव है। देख के लगा था कि इनके आगे पूरा शासन प्रशासन और विभाग और पुलिस सबके सब नतमस्तक है कहा से सामाजिक रसूख इनको बड़ा है और जो हमेशा ही जान की खबर विवाद ने आज जात बनत रात अखबार ने खूब छपी देने बात है जैसे अखबार ने पूरा छापो ही खबर को खंडन लो नहीं हो ना उनने मानहानि को नोटिस दो हमने लो चलाई थी तो भी कछु नहीं करो उन्होंने कहा से वे गलत आते अब जो बताया जा रहा है करीब 10,000 वर्ग फीट की जमीन पे कब्जा करके रखे हैं जी चौबे नर्सिंग होम के सामने जो निवास ओपीडी पुरानी ओटी ऑपरेशन थिएटर को निर्माण ने वैधानिक जमीन पे करो लेकिन इसके अलावा अन्य जोन इनके निर्माण भाई पूरे के पूरे अतिक्रमण पे है जमीन पे कब्जा करके इनने करो है और जो भी बताया जाता है कि इनके स्वामित्व की जो जमीन है उनको रिकॉर्ड अपने आप पे देख ले तो पता चल जाए कि स्वामित्व की जमीन में और जितना कब्जा है उनको है का स्थिति। सुनील मेडिकल के बगल में तो एक्स्ट्रा रूम जो बना है गैरेज बना है वो सब पूरे अतिक्रमण की चपेट में पूरे अतिक्रमण की जद में लेकिन प्रशासन के जो अतिक्रमण नहीं दिखाते प्रशासन की टीम सीधी पहुंच जाते टोरिया मोहल्ला संकट मोचन और अलग अलग बस्तियों पे पहाड़ियों पे जाके ने देखा लोगों के को आते पुराने रसूखदार कीने कब्जा करो कीने का करो गरीबन पे तो जैसे भी वो डंपर चला रहे किराने जी घूमने लगा 11 साल 12 साल पहले चिन्हित अतिक्रमण पे प्रशासन आज ही मेहरबान और ईट तक नहीं गिरी लेकिन छतरपुर में बेचारे गरीबन के 10 बार 20 बार मकान बार बार पटकत जा रिकॉर्ड में मात्र 0.032 हेक्टेयर जमीन चौबे नर्सिंग होम के नाम की है उसके बाद बाकी में पूरा कब्जा है लेकिन जो चीजें हैं अगर रिकॉर्ड में देख लें जाए तो समझ में आते हैं कि मचोका जो खसरा क्रमांक 31/06/2 घाम है डॉक्टर सुभाष चौबे की पत्नी डॉक्टर शकुंतला चौबे के नाम मात्र 0.032 हेक्टेयर जमीन है। इस जमीन पे इनको निवास भी बनो है इनको नर्सिंग होम सब कछु बनो है। इनने 1979-80 में टोरिया ट्रस्ट से जा जमीन खरीदी थी राजस्व जानकारन के अनुसार जा जमीन करीब 3500 वर्ग फुट है ऐसे में जो तय है कि चौबे नर्सिंग होम को जो विस्तार भाव जो पूरा अवैधानिक तरीके से भाव है इसके अलावा जितनी जगह है पूरा इनको कब्जा मानो जो है जो मान सकते हैं। हमारे जब छोटे थे भैया सो आती हुई पहली बताऊ तो पूछो करते चौबे जी भाजी बेचे बोले ऐसो नाम बताओ तो उल्टो सीधो एक समान सो हमारे कहा पाते चौबे जी भाजी बेचे अब ये तुम उल्टो लिखो बेचे तो चौबे जी भाजी बेचे अब इतने तो चौबे जी भाजी नहीं बेच रहे जो तो सरकारी जमीन पे कब्जा कर रहे भैया सीधे सीधो और दूसरे की भाजी बिकवा रहे बेचारे गरीब हैं उनके आसियाने हर बार टूट जाते उनके मकान और बरसात के पहले लोहरिया लगाता आती उनकी आय मिलत वही में देखो सबकाले निपटे
और वही ना अच्छे अच्छे निपटे हैं। अपनी व्यक्तिगत जिंदगी देखो तो समझ में आओ कि तुम जो गलत काम जीवन में करे उनको लाभ कावो परवाह ना कितनो असर करो, सामाजिक प्रतिष्ठा फर्जी आदि बना ले, लेकिन भगवान के सीसीटीवी कैमरा के आगे कोई प्रतिष्ठा नहीं चला। जल भाई कई जने लड़ रहे कोर्ट में सरकारी जमीन पे कब्जा की और फोरियर ट्रस्ट की जमीन पे कब्जा की, लेकिन रसू के आगे कई बार नियम कानून धरे रह यार, लेकिन कई बार होतना क्या ऊपर वाले की लड़िया। और ये बार देखो शिवराज सिंह चौहान है बिल्कुल ततोस में, बेहद प्यारे मियाँ बिटियन के संग गलत काम करते उल्टे सीधे हरकतें करते, सो प्यारे मियाँ पे सो बुलडोजर चलो के ध्वस्त हो गए प्यारे मियाँ, भगवान के प्यारे अल्लाह के प्यारे भाई आ रहे जैसी स्थिति हो गई। और छतरपुर में चौबीस नर्सों होम पे बुलडोजर जेसीबी चल गई ना, वही दिन शिवराज सिंह अजय योद्धा हो जो मान चली हो। भाजपा की ऐसी आदमी वो कर खुड़गा है कि एक कांग्रेसी आदमी और कांग्रेस को लंबे समय तक सिर पर चला रहा हो, भाजपा की सरकार आई तो फिर जो भाजपा को आदमी कैसे हुआ। तो अब जो भाजपा आगे तय कर ले भैया कहा से जी चौबे जी ने जब उद्घाटन करते एनजीओ के कार्यालय को कब्जा वाली जगह पे, उस समय भाजपा के नेता नहीं बुलाए थे इनने, इनने प्रभारी मंत्री के बुलाओ तो रहते का नाम अपने बृजन प्रताप सिंह उन्हें बुलाओ तो अब से भाजपा वालों के बदला लेने को मौका है। कैसे जो पाला पलटे कांग्रेसी आदमी है, अब भाजपा की सरकार है, अब इनको गिरो चाहिए कि नहीं कब्जा, इन पे बात बहुत चाहिए, बाकी बात को अपन बात न करनी। तो भैया हम ले रहे विदा, हम तो बस एक गाना गा रहे अंधा बाटे रे बड़ी और चीन चीन के दे और बड़े आदमी के खड़े महल, गरीब आदमी धरती में सोए, खुली पड़ी है छत और इनकी झोपड़ पट्टी ध्वस्त वही, और चौबे जी की खड़ी अट्टालिका लगा इंजेक्शन घड़ी घड़ी भैया राम राम।